7वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज शुक्रवार को दरभंगा के टाउन हॉल में हुआ। इसका उद्घाटन बॉलीवुड के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता संजय मिश्रा और दरभंगा के कमिश्नर मयंक वरबड़े ने किया। फेस्टिवल की शुरुआत संजय मिश्रा की फिल्म गारवी से हुई। ये फिल्म फेस्टिवल 3 दिनों तक चलेगा और इसमें भारतीय भाषाओं के अलावा कई विदेशी भाषाओं की 50 फिल्में दिखाई जाएंगी। अब जो हकीकत में है, हकीकत में यही सब है जहाँ पे हम खड़े हैं। हकीकत तो अब यहाँ से हम अलग कैसे हटेंगे भाई, तो रीजनल और ये जो चीजें हैं मेरे कला में दिखती हैं, ऐसा अगर आपको लगता है तो उसकी वजह मैं खुद ही हूँ कि मैं बहुत जुड़ा हुआ इस इन चीजों से। ये पिक्चर जो गढ़वी आज देख रहे हैं, दरभंगा के हैं प्रोड्यूसर साहब विनय मिश्रा जी, हम दरभंगा के हैं, गुजरात पर बेस्ड कहानी है गढ़वी वगैरह जो गुजरात, मतलब वैसी सी कहानी है, क्यों नहीं करेगा आदमी। गुजराती फिल्म कर रहे हैं हम, अभी एक मराठी फिल्म कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे हम मैथिली, बिल्कुल करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं जो नेशनल अवार्ड दी जाती है उन फिल्मों को कम से कम एक हफ्ते तक तो सारी अच्छे फिल्मों को गवर्नमेंट लगवा सकती है अपने स्टेट में। संजय मिश्रा मूल रूप से दरभंगा के ही रहने वाले हैं और यहीं से निकलकर उन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में देश विदेश में नाम किया है। विजय कुमार श्रीवास्तव, ETV भारत।